सिर्फ 21,000 रुपए लाने और अपना फ्लैट बुक करा के लेके जाना है। 100% लोन करा के दूंगा पूरी प्रॉपर्टी पे। और जो भी हमारा फ्लैट है अच्छी लोकेशन के अंदर है, सीवर लाइन डली हुई है, इलेक्ट्रिसिटी का मैं आपको कनेक्शन करके दे रहा हूँ, और साथ में ही आपको जो एक टीवी फ्री कर रहा हूँ अगर आप अगस्त के मंथ में एक फ्लैट हमारा कोई बुक करते हैं तो। हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक राजपूत श्री सिद्धार्थ प्रॉपर्टीज से आपका स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल में। आज जो मैं आपको लेके आया हूँ वो उत्तम नगर के अंदर एरिया है विश्वास पार्क, और जो फ्लैट दिखाने वाला हूँ वो 2 BHK का बिल्डर फ्लोर है लिफ्ट के साथ। अगर इस फ्लैट के एरिया की बात की जाए तो 55 गज का फ्लैट है, 200 गज की बिल्डिंग है टोटल, 4 एक फ्लोर पर 4 यूनिट बना रखी है, और ये हमारे बैक साइड के फ्लैट अभी इसमें अवेलेबल है। और जो अगर वॉशरूम की बात किया तो डबल वॉशरूम के साथ है, मॉडुलर फ्लैट है, मॉडुलर किचन विद चिमनी, 90% ईजिली लोन अवेलेबल है, और अगर आपकी एलिजिबिलिटी होती है तो इसमें मैं 100% लोन भी आपको करा दूंगा। अगर इस फ्लैट की बात करें तो लगभग आपको बाइक पार्किंग मिलती है, लिफ्ट का ऑप्शन मैंने आपको बता ही दिया है, और सारे विट्रीफाइड टाइल्स का हमने यूज़ करा है, स्प्लिट एसी की फिटिंग दे रखी है। और अगर इस फ्लैट से हम विसिनिटी की बात करें तो यहाँ से आपका मेट्रो स्टेशन लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, और अगर हम हॉस्पिटल्स की बात करें तो वो यहाँ से लगभग आपके 500 मीटर के डिस्टेंस पे है। इंटरनेशनल जो स्कूल्स हैं हमारे द्वारका के अंदर वो भी 500 से 700 मीटर के अंदर आपको मिल जाते हैं। और साथ में मैं आपको बताना चाहूँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जो फैसिलिटी है वो आपके फ्लैट से नीचे उतरते आपको ई रिक्शे मिल जाते हैं, जो कि आपको उत्तम नगर ईस्ट या वेस्ट मेट्रो पर ड्रॉप कर देंगे। दोस्तों, हम आगे अपने फ्लोर पे सबसे पहले लिफ्ट का दिखाना चाहूँगा। हमारी लिफ्ट वर्किंग में है, लिफ्ट की बाउंड्रीज में पूरा टाइल वर्क कर रखा है, और साथ में इसको आपको स्टेयरकेस मिल जाता है। हम चलते अपने फ्लैट की तरफ। अगर फ्लैट में हम एंट्री करते हैं तो हमारी जो डायरेक्शन है वो वेस्ट की रहेगी, और जब हम फ्लैट से बाहर निकलेंगे तो ईस्ट की रहेगी। सबसे पहले मेन एंट्री गेट है, 8 फीट का गेट है, हैंडल लॉक लगा रखा है, और साथ में जो हम माइका दे रहे हैं वो अंदर बाहर मतलब फ्रंट और बैक दोनों तरफ दे रहे हैं। एंट्री करते हैं, हम आते हैं लिविंग रूम के अंदर। अगर लिविंग रूम के साइज़ की बात करें तो 15x9 का लिविंग रूम है, विट्रीफाइड डिजिटल टाइल्स की हमने फ्लोरिंग कर रखी है, और साथ में जो फॉल सीलिंग है बहुत ही मॉडर्न डिज़ाइन की फॉल सीलिंग है, और साथ में एक सैंडल लेयर मिलता है, बहुत ही सुंदर सैंडल लेयर है। वॉल्स की ब्यूटी को एनहांस करने के लिए 3D वॉलपेपर का यूज़ करा गया है, और साथ में आपको ये स्प्लिट एसी की फिटिंग मिली है, आपको कोई भी तोड़फोड़ ना करनी पड़े विंडो एसी के लिए, इसलिए स्प्लिट एसी की फिटिंग दे रखी है। सारे हमारे ब्रांडेड स्विचेस हैं, कोना के हम सारे स्विच यूज़ करते हैं, और आपके टीवी लगाने के लिए हमने टीवी का प्रोविजन दिया है। यहाँ पे टीवी पैनल है, इजीली आप अपना टीवी यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं। साथ में आपको नीचे कुछ स्टोरेज मिलती है अपना टीवी के रिमोट्स वगैरह रखने के लिए, सेटअप बॉक्स लगाने के लिए। हम चलते अपने फर्स्ट बेडरूम की तरफ। अगर इस बेडरूम की साइज़ की बात की जाए तो 10x11 का बेडरूम है, फॉल सीलिंग हैवी फॉल सीलिंग का यूज़ करा है, साथ में एकदम यूनिक हमने वॉलपेपर का यूज़ करा है जो कि 3D वॉलपेपर है। इस रूम के अंदर भी हमने वेंटिलेशन के लिए विंडो दी है, और साथ में स्प्लिट एसी का प्रोविजन छोड़ा है। कॉपर की वायरिंग है, हैवी कॉपर वायरिंग है, गेट 8 फीट का गेट है, फ्लोरिंग विट्रीफाइड की फ्लोरिंग है, और जो टाइल्स का हमने साइज लिया है वो 2x4 की सारी टाइल्स है। हम चलते हैं अपने कॉमन वॉशरूम की तरफ। ये कॉमन वॉशरूम हो गया हमारा, लगभग 5x6 का वॉशरूम है, वॉल टू वॉल टाइल्स लगा रखी हैं, सारी सैनिटरी फिटिंग्स कंप्लीट हैं, और वॉशरूम के अंदर भी हमने जो है वुडन गेट दिया है, PVC का यूज़ नहीं करा है, और ऊपर वेंटिलेशन के लिए हमने स्पेस दे रखा है जहाँ पे आपका एग्जॉस्ट फैन लग जाए। हम चलते हैं अपने मास्टर बेडरूम की तरफ। ये हमारा सेकंड और मास्टर बेडरूम है। इस बेडरूम की भी साइज़ की बात की जाए तो लगभग 9x10 का बेडरूम है, वॉलपेपर मिल जाता है, बहुत लाइट कलर का वॉलपेपर यूज़ करा है, साथ में फॉल सीलिंग के नए डिज़ाइंस हैं, और जैसे कि हमारा मास्टर बेडरूम है तो इसके साथ में एक अटैच वॉशरूम है, एक कॉम्पैक्ट वॉशरूम है, इसमें भी पूरा टाइल वर्क कम्प्लीट है, वेंटिलेशन के लिए विंडो दे रखी है। रूम की वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे विंडो मिल जाती है, साथ में आपको पॉइंट दे रखा है, आप AC इंस्टॉल कर सकते हैं इसलिए। और जैसे कि नॉर्मली लोगों की इशू रहता है कि हमारा किचन जो है वेंटिलेटेड नहीं होता, इसलिए हमने इसमें किचन वेंटिलेटेड करा है, बालकनी साइड पे किचन है, फुल मॉडुलर किचन है, चिमनी हम इंस्टॉल करके दे रहे हैं, साथ में ऊपर आपको आईबॉल लाइट्स मिल जाती हैं। अगर माइका की बात करें तो वुडन और वाइट कलर की माइका का यूज़ करा है। ये हमारी पूरी बास्केट्स हैं। किचन में भी हमने फ्रंट और बैक दोनों में यूज करी है, और किचन की वेंटिलेशन के लिए विंडो दे रखे काफी अच्छी।
उनके साथ अटैच बालकनी है। ये हमारी बालकनी आ गई। बालकनी पे वॉशिंग एरिया दे रखा है, टैप और इलेक्ट्रिक पॉइंट कंप्लीट है, ड्रेनेज है साथ में ही, और जितना भी हमने एसएस का यूज़ करा है सारा 304 ग्रेड है, रस्टलेस रहता है, जंग नहीं लगती इस पर। इसमें जो हमारा लोकेशन है वो वेस्ट उत्तम नगर वेस्ट में विश्वास पार्क की लोकेशन है, मेट्रो से लगभग 1 से 1.25 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। 90 से 100% लोन ईजिली अवेलेबल है, प्रधानमंत्री की आवास योजना है, इस पर हम आपको दे रहे हैं। अब आते हैं इस फ्लैट की प्राइसिंग पे। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस हमने इसका रखा है फ्लैट का, ओनली 21 लाख से, 21 लाख रुपये का फ्लैट है। और अगर आपको इस फ्लैट को बुक करना है तो आप सिर्फ 21,000 रुपये लेके आ सकते हैं और अपना फ्लैट बुक करा सकते हैं। आपका हफ्ते के अंदर सेंशन हो जाएगा, सेंशन होने के बाद जो आपको अपना जो रिमेनिंग बयान अमाउंट रहेगा वो आपको पे करना पड़ेगा। अभिषेक जी, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा, जैसे हमारे व्यूवर्स होते हैं सबके पास इतना बजट होता नहीं है कि भाई ये फ्लैट खरीद लेंगे या ऐसे एक बार पैसे दे देंगे, तो लोन वगैरह की बात तो आप कर रहे हैं, चलो 100% लोन हो जाएगा, बट कैसे लोगों का होगा? 100% लोन होगा उन लोगों का जिनकी सैलरी जो है कम से कम 45,000 रुपए के आसपास हो। ओके, सैलरी 45,000 होनी चाहिए, वरना जो सेल्फ एम्प्लॉयड बंदे हैं उनकी बैंकिंग अच्छी होनी चाहिए, आईटीआर भरी होनी चाहिए, इसलिए उनका जो है 100% का लोन होगा। कुछ लोग आते हैं ऐसे कि 20,000 सैलरी और वो चाहे कि 100% लोन हो जाए, तो वो नहीं हो पाता। आपकी एलिजिबिलिटी बननी चाहिए उसके लिए 100% लोन के लिए। और साथ में जो मैं आपको बता रहा हूँ 21,000 रुपए जो आपको लाने हैं उसके लिए आपको फ्लैट मिल जाएगा। सबसे मेन बात जो लोन की, आपका सिविल स्कोर बिल्कुल भी डाउन नहीं होना चाहिए। सिविल स्कोर अच्छा होना चाहिए, आपकी प्रोफाइल अच्छी होनी चाहिए, आप सैलरी बेस्ड हो या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो, उससे कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है तो आपका थोड़ा सा लोन लेट होता है, अगर सैलरी बेस्ड है तो लोन थोड़ा सा जल्दी होता है, बस इतना फर्क आता है। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होंगे उनका भी 100% लोन रहेगा ही रहेगा बिल्कुल। तो भैया एक क्वेश्चन और भी है हमारे व्यूअर्स के लिए कि आप जैसे फ्लैट दे रहे हैं तो इस पे पेपर्स वगैरह की बात करते हैं, पेपर्स वगैरह में क्या दे रहे हैं? पक्की रजिस्ट्री का फ्लैट है, रजिस्ट्री पक्की है जब भी लोन होगा। अगर हमारी रजिस्ट्री नहीं होगी फ्लैट की तो आपका लोन भी नहीं होगा किसी भी प्रॉपर्टी पे। और साथ में जो इसकी रजिस्ट्री है वो जनकपुरी एसडीएम ऑफिस के अंदर जाके आपकी रजिस्ट्री होगी और पूरी पक्की रजिस्ट्री का ये फ्लैट है। ओके, और जैसे हमारे काफी सारे व्यूअर्स होंगे जो बाहर के देख रहे होंगे, दिल्ली से बाहर के लोग, तो उनके लिए भी ये सारी सिस्टम होगी, कहीं के भी लोग ले सकते हैं यहाँ फ्लैट? हाँ, ये अगर दिल्ली के अंदर के, अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर के बंदे ले सकते हैं जो एनआरआईज होते हैं उनका जो है, क्योंकि नेशनलाइज बैंक लोन करता है एनआरआईज का, और कॉलोनीज के अंदर नेशनलाइज बैंक लोन नहीं करते, एनबीएफसी से सारे लोन होते हैं, तो इस वजह से उनकी प्रोफाइल में थोड़ा सा इशू आ सकता है। बिल्कुल, मतलब इंडिया के लोगों का तो इजिली हो जाएगा, इंडिया के लोगों का इजिली हो जाएगा, बिहार यूपी बंगाल कहीं से भी देखा, यूपी बिहार का इजिली हो जाएगा, बस उनका सिविल स्कोर अच्छा, सिविल स्कोर अच्छा होना चाहिए और आपकी एक प्रोफाइल अच्छी होनी चाहिए। बिल्कुल, अगर आपको मेरे और भी फ्लैट्स की वीडियो देखने 2 BHK 3 BHK तो मेरा एक और चैनल है श्री सिद्धार्था प्रॉपर्टीज के नाम से, उस पर आपको काफी सारी वीडियोस मिल जाएंगी, मे बी उसमें से आपको कोई फ्लैट पसंद आए और वो आपका ड्रीम होम बन सकता है।